बुलेटिन की शुरुआत वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। गाजा में 11,000 लोगों की मौत के बाद अब अरब देशों ने यह कहा है कि अब बहुत हुआ। सऊदी अरब में इस्लामिक देशों की मीटिंग के बाद सबसे बड़ा फैसला लेबनान के हिजबुल्ला ने लिया है। हिजबुल्ला ने अब उस खूनी पंजे से वार करने का फैसला किया है जिसके जरिए उसने 2006 में युद्ध के दौरान इजराइल की सेना को धूल चटा दी थी। हिजबुल्ला की नई वार्निंग को इजराइल को बहुत गंभीरता से लेना होगा। हिजबुल्ला ने अपना पंजा दिखा दिया है। हिजबुल्ला आगे क्या करने जा रहा है, इस वीडियो में उसके अगले एक्शन का साफ साफ इशारा किया गया है। इस वीडियो में हिजबुल्ला का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसे ही हिजबुल्ला का खूनी पंजा कहा जा रहा है। इस वीडियो में लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्ला की सबसे खतरनाक फोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। यह हिजबुल्ला की ऐसी फोर्स है जिसे अभी तक हसन नसरुल्ला ने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब इसका अंडरग्राउंड वाला दरवाजा खुलने जा रहा है। और अगर ये पूरी तरह से खुल गया तो समझ लीजिए कि इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इसे हिजबुल्ला का पंजा कह सकते हैं। इसके टारगेट पर इजराइल है, इसके टारगेट पर अमेरिका है और हर वो ताकत है जो इस वक्त गाजा पर बमबारी में इजराइल का साथ दे रही है। हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरुल्ला ने अपने भाषण में ऐसी बात कही है जिससे साफ है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध लंबा चलेगा। इसमें 10 गुना और मौतें होंगी। इसमें टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। इस वक्त हसन नसरुल्ला के एक एक शब्द को डिकोड करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार हिजबुल्ला ने ऐसा धमकाया है जिसके टारगेट पर सीधे बेन्यामिन नेतन्याहू। في الايام القليله الماضيه موجه جديده من التهديدات من نتنياهو من جالنت من جانيتس من اخرين باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف في هذا الأداء हसन नसरुल्ला के भाषण के बीच हिजबुल्ला का नया वीडियो देखकर इजराइल की सेना बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि हिजबुल्ला का पंजा अब अमेरिका और इजराइल का खेल बिगाड़ सकता है। इस पंजे में हिजबुल्ला की रॉकेट फोर्स है, इसमें हिजबुल्ला का एंटी टैंक दस्ता भी है, हिजबुल्ला के पंजे में स्नाइपर वाली गोलियां भी हैं, इसमें हिजबुल्ला की स्पेशल फोर्स भी है और अब तक इसमें हिजबुल्ला की सबसे खतरनाक और सटीक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो गई है। ये इशारा हिजबुल्ला की तरफ से बार बार दिया जा रहा है कि गाजा में बहुत हुआ, अब इजराइल को सबसे बड़ी सजा देने की बारी आ गई है। हमास के बाद हिजबुल्ला इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और हसन नसरुल्ला के इस बात ने ये बात 100% साफ कर दी है। أن تتوقف هذه العمليات في جبهات المساندة ألا تذهب المنطقة إلى حرب إقليمية عليكم أن توقفوا العدوان والحرب على غزة هذه هي المعادلة ولن يستطيع أحد أن يضغط على حركات المقاومة أن تقف وأن تسكت وأن تصمت وأن تتخلى عن مسؤولياتها على الإطلاق
अब देखिए हिजबुल्ला की हसन नसरुल्ला की कौन सी ताकत। हिजबुल्ला कैसे अटैक कर रहा है इस वीडियो में साफ दिखाया गया है। दक्षिणी लेबनन में पहला धमाका और फिर कुछ सेकंड बाद हुआ दूसरा धमाका। यह लेबनन का गांव कफार किला है और यहां इजराइल ने जमकर बम बरसाए। यह इजराइल और लेबनन के मिलिशिया हिजबुल्ला के बीच डायरेक्ट युद्ध है जिसके शोले अब पूरी दुनिया को जला सकते हैं। इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाई में हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, रॉकेट दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं, तोपखाने दोनों तरफ खुले हुए हैं, लेकिन जब हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल का बम गिरता है तो धमाका बड़ा होता है। हिजबुल्ला और इसराइल की टक्कर इस वक्त तीसरी स्टेज पर पहुंच गई है। हिजबुल्ला ने अपना पंजा निकालने का फैसला कर लिया है। इसका मकसद है आर पार का युद्ध। ये अमेरिका के लिए बहुत फिक्र की बात है क्योंकि इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इसराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। وحجم الاستهدافات عددها وأيضا ارتقاء على مستوى نوع السلاح نحن المرة الأولى في تاريخ المقاومة في لبنان نستخدم المسيرات الهجومية الانقضاضية فعلوها الإخوة قاموا بها قبل أيام وقاموا بها بالأمس أيضا وأيضا على مستوى نوع الصواريخ التي دخلت قبل أيام في المعركة। अब तक गाजा से अलग इजराइल लेबनन बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा था वो धीमा होने की बजाय तेज हो गया है। इस लड़ाई में हिजबुल्ला के 70 से ज्यादा लड़ाके इजराइल के अटैक में मारे जा चुके हैं जबकि इजराइल के 9 सैनिक हिजबुल्ला के हमले में जान गंवा चुके हैं। अब हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरुल्ला का नया भाषण इस युद्ध को किस लेवल पर ले जाएगा इससे लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से लेकर व्हाइट हाउस में बेचैनी बहुत ज्यादा है। इजराइल जवाबी हमले में अब तक हिजबुल्ला के कई टारगेट को निशाना बना चुका है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हिजबुल्ला युद्ध लड़ने का फैसला लेता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। هي التي تستطيع أن توقف هذا العدو। हसन नसरुल्ला का पूरा फोकस इस वक्त गाजा पर है। हिजबुल्ला ने अब तक जो भी हथियार दिखाए हैं उसका उसने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। लेबनन और इजराइल के बॉर्डर पर इजराइल ने जितने भी सर्वेलांस उपकरण लगाए हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इन टावर्स को इजराइल ने अरबों रुपए खर्च करके लगाया था। पिछले 15 सालों में उसने लेबनन बॉर्डर पर निगरानी का जितना भी इंतजाम किया उसे हिजबुल्ला ने एक झटके में खत्म कर दिया। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं और इन रॉकेट्स के निशाने पर उसके हाइफा और तेल अवीव जैसे शहर हैं। ये रॉकेट इजराइल पर गिरे तो इजराइल के 2 बड़े शहरों का काम तमाम हो जाए। التي نسميها البركان والتي تستهدف بها المواقع البركان صاروخ زنة المتفجرات الموجودة فيه ما بين 300 كيلو إلى 500 كيلو يعني نصف طن لكم أن تتصوروا نصف طن من المتفجرات يقع على رؤوس المواقع الإسرائيلية في المنطقة الأمامية وفي الحدود। लेबनन बॉर्डर पर चल रही लड़ाई से अलग अगर गाजा पट्टी को देखा जाए तो इस वक्त इजराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है। 11,000 लोग मारे जा चुके हैं, इनमें 5,000 तो सिर्फ बच्चे हैं। ऐसे में नेतन्याहू की ये धमकी क्या हिजबुल्ला को डरा पाएगी क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध करना हिजबुल्ला की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। देखा जाए तो हिजबुल्ला वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्ला को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्ला का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनन में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है।
2006 में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इसराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्ला के 250 लड़ाकों समेत लेबनन के 1200 लोगों की मौत हुई थी। ये युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इसराइल को लेबनन से पीछे हटना पड़ा था। हिजबुल्ला 2006 में हुए युद्ध को अपनी जीत बता रहा है, लेकिन उसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसीलिए अगर इस बार भी हिजबुल्ला को नुकसान उठाना पड़ा तो समझ लीजिए ईरान को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसने पूरी दुनिया को जैसे सबसे बना दिया है। हजारों बच्चों की मौत को लेकर इसराइल इस वक्त कटघरे में है। हमास के चंद लोगों को मारने के लिए उसकी बमबारी में अब तक 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है।